हेलो एवरीवन, तो आज जो है मैं लेकर आई हूँ एक जुकीनी सैंडविच। तो इसके लिए हमें जुकीनी जो है थोड़ी सी काट लेनी है, उसका छिलका जो है निकाल देना है, उसके बाद हमको उसको करना है ग्रेट। तो जुकीनी के जो बेनिफिट्स हैं वो ये रहते हैं कि ये वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत अच्छी साबित होती है और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, थायराइड के लिए बहुत अच्छे जो हैं इसके बेनिफिट्स हैं। तो जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो इसको हमने ग्रेट करने के बाद जो है इसका पानी जो है वो निकाल लेना है, जैसे हम यूजुअली मूली का निकालते हैं। तो पानी से निकालने से जो थोड़ी सॉलिड हो जाती है, तो पानी निकालने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं इसका प्रॉपर जो है पानी निकाल देना है। उसके बाद हमने क्या पनीर जो है, पनीर भी हल्का सा जो है वो उसको ग्रेट करना है, ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हो। तो उसके बाद आपके पास अगर बेल पेपर्स हैं आप बेल पेपर्स को काट लोगे, अगर आपके पास कैप्सिकम है आप कैप्सिकम का यूज़ करोगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ करोगे। बीन्स ले लोगे, बीन्स डाल लोगे, कैबेज डाल लोगे, जो भी आपके पास जो है वो रॉ सब्ज़ियाँ पड़ी हैं, बेल पेपर्स हों तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बेल पेपर्स, बीन्स और जो है इसमें धनिया डाला है, कैप्सिकम डाला है। तो इसको मैं पूरी तरह से छोटे छोटे जो हैं वो उसके टुकड़े कर दूँगी, तो उसके लिए ये वाली मशीन बेस्ट रहती है। तो बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं मैंने उसके टुकड़े कर दिए हैं और डाल दिए हैं उसी के ऊपर, जुकीनी के ऊपर। आपने देखा पहले जुकीनी को ग्रेट किया, फिर उस पर पनीर डाला, फिर वेजेस डाली। अब हम थोड़ी सी कैबेज काटेंगे। कैबेज जो है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है वेट लॉस करने के लिए। तो कैबेज को हम यूजुअली, कैबेज गंदी होती है, तो जब भी हम कैबेज को काटें और उसको धोना चाहें तो पहले एक चम्मच नमक डालें, नमक से जो है वो प्रॉपर क्लीन हो जाती है। और हल्का सा गर्म पानी डाल के इसको एक एक पत्ता निकाल कर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। खाने के साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कैबेज को भी हमने जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। तो कैबेज जो है वो हो चुकी है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट, तो इसको भी हम उसके ऊपर डाल लेंगे जो हमने वेजेस काटी थी। तो जैसे कि आप देख रहे हो सब जो हैं सब्जियां, जुकीनी, पनीर मैंने मिक्स कर दिया। अब हम स्पाइसेस डालेंगे, हम हल्का सा सॉल्ट डालेंगे पहले। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये बॉक्स नहीं देखेंगे हम, इसमें ब्लैक पेपर डाला हुआ है ना कि ये ऑरिगेनो है। उसके बाद हमने इसमें डाला है गार्लिक पाउडर, जो कि मैं गार्लिक पाउडर खुद ही बनाती हूँ घर में। तो उसके बाद डाली हमने चिली फ्लेक्स, उसके बाद डाला हमने हल्का सा थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो ये सब डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है प्रॉपर, अच्छी तरह से जो है पूरा जो मसाला है वो सब जगह पे चला जाए, अच्छी तरह से मिक्स जो है हमने उसको कर लेना है। तो मिक्स जो है ये हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, तो ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें। एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालने के बाद हम इसको हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। तो स्प्रेड करने के बाद जो हमने है इसकी हल्की हल्की सी जो है टिक्कियाँ बनानी है, तो हल्का सा हाथ में लेके उसमें फैला देना है और हल्का सा हमने इसको डाल देना है तवे पे। तो हमने यूजुअली दो टिक्कियाँ बनानी है कि फिर दोनों ब्रेड पे बन जाएँ और ब्रेड जो है वो काफ़ी हैवी हो और हमारा जो पेट है वो भी फुल हो जाए। तो अच्छी तरह से जब वहाँ से आपको लगे कि पक चुकी है, इसको वापस हमने दूसरी तरफ से भी पकाना है और उसके ऊपर हमने सीसम सीड्स डाल देने हैं थोड़े से, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसके बाद हमने जो है इसमें मेयो डाल देनी है। तो मेयो लगाने के बाद, जो मेयोनीज़ है वो भी यूजुअली मैं घर पे ही बनाती हूँ, मैं आपको बताऊँगी मेयोनीज़ घर में कैसे बनाते हैं। तो मैं बाहर से बहुत कम चीज़ें लेना प्रेफर करती हूँ। तो हमने इसमें डाल दिया है, थोड़े टाइम के बाद हम इसको उल्टा कर देंगे और जो हमारी ब्रेड है वो हम क्रिस्पी कर लेंगे। तो अभी हम, जैसे कि आप देख रहे हो मैं ब्रेड को उल्टा कर चुकी हूँ, उसको अब मैं दूसरी साइड से क्रिस्पी कर रही हूँ। इसके ऊपर जो है अब हम डालेंगे चीज़ स्लाइस, तो चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हो आप, मोज़रेला भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद हमने हल्का सा जो है आप इसमें ऑरिगेनो हल्का सा डाल दें कि चीज़ में थोड़ा सा फ्लेवर हो जाए ऑरिगेनो का। तो उसके बाद हमने जो है वो ब्रेड को दूसरी तरफ से बंद कर देना है और उसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मीडियम फ्लेम में बिल्कुल जो है करके आराम से इसको क्रिस्पी होने दें, क्योंकि अगर ये सॉफ़्ट रहेगी तो फिर टूट जाएगी, क्रिस्पी रहेगी तो वो संभाल के जो अंदर स्टफ़ है उसका थोड़ा सा उसको अच्छा बना के रखेगी। तो दोनों तरफ से जो है वो ये क्रिस्पी हो चुकी है। तो आप मस्त अपना जो है इसमें डाल के, सॉस डाल के आप इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हैं और ये बहुत हेल्दी है आपके ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और ये काफ़ी टाइम तक आपका जो स्टोमक है वो फुल रहने की कोशिश करेगी। अगर आपको ये पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़